ना वो जानना चाहता है मुंबई का कल्चर फैमिली अपब्रिंगिंग थोड़ा बताओ मूवीज में दो टाइप का ही होता है ना, एक हाँ। तो पूरा वो चाल वाला बताऊ है वो पूरा जैसे हेरा फेरी और दूसरा फिर मतलब टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली दिखाते हैं बट जैसे यहाँ पे ना अगर अभी तुम जनकपुरी में थे है ना तो जनकपुरी में डीडीए डी ए फ्लैट होते हैं वो फ्लैट सब बहुत सारी हिंदी मूवीज़ में के दिखाते कि दिल्ली में रह रहे तो जैसे वो अः कौन सी थी बधाईयों हो में वो डीडीए -डी फ्लैट में रहते थे हाँ हाँ आ, फैन में जीरो या फैन में शाहरुख खान डीडीए डी फ्लैट में हाँ रहता हाँ था ये सारा ओ हाँ वैसे तो मतलब वो पस, है मतलब ना कि दिल्ली वाले तो ये समझे, पांच चीजें अमीरी होगी तो वो ओ, बंगला दिख पाएगा रणवीर सिंह और अभी समझे, उसकी समझे, थी। यार तो ऐसा ही था मतलब एक तो मेरा सीन ही है कि मैं मुंबई में ना हर पार्ट में फिर भी रहा हूँ जैसे अच्छा, कि जब मैं पैदा हुआ तब हम रहते थे दादर में एक तो फाइनेंशियली उतना अच्छा थे नहीं तो जैसे तू बोल रहे है, चौल वाला ही सिस्टम था चौल मतलब वो बिल्डिंग्स रहती है ना जिसमें बैक टू बैक रूम्स रहते हैं बहुत सारे हा, हा, हा। और हर फ्लोर पे एक कॉमन टॉयलेट रहता है अच्छा वो कल्चर रहता है उधर और ओके। वही है की सबके डोर खुले चाल बोलते हैं ना चौल का और भी टाइप से कुछ कुछ एकदम ऐसे मतलब ग्राउंड फ्लोर ही रहता है जिसमे और कुछ रहते जो बिल्डिंग टाइप है बट ऐसे सिस्टम वो वही है मतलब सब लोग कॉमन वॉशरूम यूज कर रहे हैं और सबके डोर खुले हैं मतलब कोई भी किसके घर में जाएगा सबको सब कुछ पता है मतलब बंदी बंदी वाले सीन नहीं हो सकता वैसे सीन है <laughs> तो लेकिन मैं तो अभी तो बस पैदा ही हुआ था हाँ। तो पहले कुछ साल हम वहाँ पे रहे फिर दादाजी थे वो गवर्नमेंट में काम करते थे तो उनको अंधेरी में वो क्वार्टर्स रहती है हाँ। ना वो मिली सरकारी हाँ तो वहाँ पे हम शिफ्ट हुए तो दादाजी रिटायर होने तक वहां पे रहा मतलब कुछ थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक वहाँ पे रहा है। फिर दादाजी हो गए रिटायर अब मुंबई में रहना मतलब ऑब्वियसली रेंट, रेंट, रेंट बहुत ज्यादा है और है। तो और मेरे और मेरे डैडी मम्मी का मतलब उतना ये था नहीं मतलब मेरे डैडी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है बीएसटी उसमें कंडक्टर थे ठीक है और मम्मी तभी होम मेकर थी बाद में मम्मी और भी काम करती थी ठीक है तो जब फिर दादाजी रिटायर हुए वो गाँव चले गए तो फिर हम शिफ्ट गाँव गाँव हम खेड़ मतलब रत्नागिरी करके एक जगह महाराष्ट्र में तो वहाँ पे कोंकण में मतलब अब दादाजी चलेंगे फिर अभी क्या करे तो हम लोग शिफ्ट हो गए नवी मुंबई अच्छा, अच्छा अब मतलब तू समझ रहा है अंधेरी से नवी मुंबई नवी मुंबई मैंने भाई हमेशा मुंबई देखी <laughs> और डैडी ने बोला कि चलो तुम्हें एक घर बुक किया है वो दिखाने लेके चलता हूँ हम जा ही रहे ठीक है मुझे ऐसे लगा कि भाई गांव ही लेके जा रहे और तभी नवी मुंबई मतलब भाई गांव ही था मतलब कुछ बना नहीं है मतलब बस भी एंड तक नहीं आती थी ऐसा सब सीन था वहां पे और मुझे एकदम ऐसा हो गया कि क्या हम इतने गरीब हो गए भाई तुम गांव में ही लेके आ गए तो वैसा सीन था तो उसके बाद तो पूरी पढ़ाई लिखाई सब वहां नवी मुंबई में, में।, में। तो छोटा सा ही फैमिली है मतलब मम्मी डैडी मैं और भाई हम पहले तो चार ही थे हाँ, अभी भाई की शादी हो गई अच्छा। तो भाभी भी है हाँ, और एक बिल्ली है हाँ, तो पांच लोग रहते हैं बट तो वही है कि उधर का कल्चर थोड़ा वैसा कि मुंबई उतना नहीं है मतलब मुंबई में वैसे भीड़ भाड़ खाना भी मुंबई में वैसे हाँ, हाँ, है कि थोड़े बड़े घर है थोड़ी शांति है तो इसलिए मैं अभी भी उधर ही रहता हूँ थोड़े ही बड़े भाई जब मैं इधर आता हूँ मैं देखता हूँ वही नहीं बात करते ठीक है मतलब ये बड़े छोटे की मतलब जैसे इधर तूने बोला ना कि जो अमीर है उसका वो कोठी बोलते हैं ना बंगलो, तो बंगलो है मुंबई में अमीरों के पास भी नहीं बंगलो नहीं है। वो, भाई वो भाई में ही रहेगा मतलब... <laughs> उसका रहे रहे वो फ्लैट ही <laughs> है तो हाँ, नॉन वेज ही हूँ तो ये दिल्ली बॉम्बे का जो फूड की वो चलती रहती है अब क्योंकि तुम्हारे अंदर तो एक मुंबईया ही है तो यार इस हाँ, पे क्या टेक है, यार है? तो यार सीन मैं बताता तुझे ठीक है ये मेन सीन क्या है कि जो भी दिल्ली वाला तो छोड़ी दे जो भी आउटसाइडर मुंबई आता है, है और वो खाना खा के बोलता है भाई इधर का खाना जुगाड़ू है टट्टी है जो भी है, है? अब प्रॉब्लम ये है कि मुंबई में आउटसाइडर इतने सारे है, है तो ये जो भी ज्वाइंट्स में तुम खाना खाते हो ना ये मुंबई वाला फूड नहीं है

महाराष्ट्र घर में जाके एक बार नॉनवेज खाएगा right. ना फिश खाना कभी हाँ. चिकन खाना भाई जो हमारा वो मसाला रहता है ग्रेवी रहता है ऑरेंज कलर का ग्रेवी बनता है oh. और जो, जितने भी मेरे दोस्त नॉन महाराष्ट्र है जो आके घर पे खाए वो हाँ. ऐसे की अगली बार आएंगे घर पे ही खाना खाएंगे हाँ. तो इतना वैसा है वो लेकिन अभी वो वही है की जब तुम अभी जैसे राजस्थान का किसी सबको क्या लगता है बचपन से इतनी शादी हो जाती है पानी तो है ही नहीं इधर बट वो पानी किधर नहीं भाई वो डेजर्ट में नहीं है ना अगर तुम उदयपुर जाओगे हर जगह भाई हरियाली हरियाली है भाई बारिश हुई थी हाँ, तो वही है ना, है। ना कि पता नहीं रहता लोगो को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक बार महाराष्ट्र खाना खा के देखो तुम लोग हाँ वैसे वो तो फैक्ट है क्योंकि हम हाँ, वो वो पांच छह दुकानें देख के बोल देते और उसमें वो चुनी चार चीजें ऑमलेट बना देगा हाँ, पाओ के साथ बराबर वड़ा दे देगा हुँ, एक समोसा दे देगा और एक वो भजिया पाओ भजिया पाओ वो सब पाव भाजी चीज पाव भाजी वही सब मतलब भाई मेन्यू जो है वो हमारा है ही नहीं मतलब एक तो मुंबई में फेमस क्या है वो सब हो गए फेमस उड़पी रेस्टोरेंट्स <laughs> अब वो साउथ इंडियन खाना उधर फेमस हो गया है वो खा रहे लोग लेकिन महाराष्ट्र का वही है कि सैडली लोगों को पता ही नहीं है भाई कहाँ पे उतना अच्छा मिलेगा तो, वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे वो लोग बट ठीक है वो टेस्ट कभी चखा ही नहीं है चखा ही नहीं आगे तू भाई नेक्स्ट टाइम आएगा तू बता ना अपन जाएंगे फिर उसके बाद और एक एपिसोड छोटी छोटी क्लिप्स पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।